कल अपने पढ़ रहे थे वर्ग, और वर्ग में मैंने आपको सूत्र लिखवा दिए थे ना, तीनों कंडीशन भी लिखवा दी थी, याद है कि कल आप वर्ग स्क्वायर पढ़ने ला रहे हैं, थोड़ा सो वापिस बात करें आप वर्ग की, तो याद है थारे सारा ने, बताओगा मन थे ही बताओगा, मन तो आ कौन बिल्कुल ही। वर्ग स्क्वायर वर्ग किसे कहते हैं भी, वह चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। वर्ग के दोनों विकिरण बराबर होते हैं, विकिरण एक दूसरे को समकोण पर हैं, समद्विभाजित करते हैं। वर्ग का परिमाप, परिमाप क्या होगा? चार गुना भुजा, मतलब इंटेलिजेंट हो गए पढ़े होते हैं। क्षेत्रफल है भुजा गुणा भुजा या भुजा की स्क्वायर। विकिरण है अनुरूट दो गुणा भुजा। जब एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर बाहर की तरफ x मीटर रास्ता हो, तो बाहर की तरफ x मीटर रास्ता हो तो परिमाप चार ए प्लस है, क्षेत्रफल है चार एक्स ए प्लस है एक्स, और अंदर की तरफ हो तो क्षेत्र परिमाप चार ए माइनस दो एक्स होगा, और क्षेत्रफल है चार एक्स ए माइनस है एक्स होगा, और बीचों बीच हो तो क्षेत्रफल एक्स है दो ए माइनस एक्स, ये क्या होगा? बीचों बीच हो तो रास्ते के क्षेत्रफल का सूत्र होगा। ठीक है, तो ही पढ़ियो आप, वह बाद में सारे थाना 8-10, 7-8 प्रश्न भी लिखवाया मैं, और लिखो जरी और लिखिए, 4-5 क्वेश्चन भी लिखवाए थे मैंने आपको, और क्वेश्चन लिखिए। एक वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग का क्षेत्रफल नौ हजार आठ सौ एक वर्ग मीटर है। उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए, उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए, परिमाप ज्ञात करना है। एक वर्ग का क्षेत्रफल 9801 वर्ग मीटर है, उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए, उस वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है 9801। कल मैंने आपको बताया था, याद हो तो, याद है कि 9801 कितना को है? भी क्षेत्रफल दे रखा, अपन क्षेत्रफल को सूत्र के वह भुजा की स्क्वायर, ध्यान दो, अपन दे रखे क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है वंदना? क्षेत्रफल को सूत्र क्या है? भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर को मान कितना है? स्क्वायर टांग के लाग जाओ, रूट लाग जाओ। अब देखो एंगो निकालने तो दो दो का जोड़ा बनाओगा। अब एक लास्ट में किसी संख्या का है, एक और है नौ गए, नौ की स्क्वायर 81, 10 की स्क्वायर 100 ज्यादा हो जाएगा, तो एंगो पहले ले लेंगे अपन नौ, एक तो बनेगा 91 और एक के बनेगा 99,
एक तो नो आ जाएगा, नो 98 कितना गया वर्ग गया सारा, देखो जारी 9 की स्क्वायर 81, 10 की स्क्वायर 100 ज्यादा हो गयो, तो पैरेडी लेवांगा, ज्यादा ही कौन लेवांगा, कमारी लेवांगा आप। तो 9 की स्क्वायर कितना है 81, 10 की स्क्वायर 100 तो ज्यादा हो जाएगा, 100 ने मतलब यहाँ हो गयो कि 10,000 के सारा उड़ी जाएगी संख्या, तो 10 की स्क्वायर 100 ज्यादा हो जाए, एवं पैरेडी क्या है 9 की स्क्वायर 81 यानी अपन 9 ले लेंगे, तो एवं बढ़ना रही संख्या ढाई अंक हो गयो, एक तो 91 हो जाएगी, एक की हो जाएगी 99 हो जाएगी, एक 91 होगी और एक 99। अब ये देखना है कि ये 91 का या 99 का है, तो ये देखने के लिए इस 9 की स्क्वायर कर दो और आगे वाली संख्या का स्क्वायर कर दो, 9 की स्क्वायर कितना है 81 और अगली संख्या स्क्वायर कितना है 100, अंग बीच में 98 लिख लियो, फिर अंग बीच की संख्या ही तो है 98। अब आ देख लो कि ज्यादा नजदीक 100 गए या 81 गए, 100 गए ज्यादा नजदीक है यानी बाद आ रही संख्या ज्यादा नजदीक है, तो अपना उत्तर जो को बड्डो है बाद आ रो सी, ये कितने का है 99 का है, तो भुजा कितनी होगी 99 होगी, तो यहाँ पे भुजा कितनी आ गई 99, 99 मीटर भुजा है। परिमाप क्या होगा जल्दी से बता दो, परिमाप कितना होगा 4 × 99, 9 × 36, 9 × 36 और 3 × 396 मीटर, ये इसका क्या आ गया परिमाप। और लिखिए एक वर्गाकार मैदान, एक वर्गाकार मैदान की भुजा 80 मीटर है, 80 मीटर है, जिसके चारों ओर बाहर की तरफ पांच मीटर चौड़ा रास्ता बना है, उस रास्ते का परिमाप व क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हाँ जल्दी से बता दो कितना आएगा कंचन, जल्दी जल्दी बताओ, नित्तू आरती जल्दी से बताइए कितना आएगा, मोनिका 360 मीटर है परिमाप और क्षेत्रफल है 1700 मीटर स्क्वायर। एक वर्गाकार मैदान की भुजा, भुजा ए, भुजा को किसे लिखा जाता है ए, ए का मान कितना है 80 मीटर और ए क्या दिया है चारों ओर बाहर की तरफ x मीटर चौड़ा रास्ता है, तो x किसका मान है चारों ओर x मीटर, तो x को मान कितना है 5 मीटर, ठीक है। अपन ज्ञात करना है परिमाप और क्षेत्रफल, रास्ते का परिमाप, परिमाप का सूत्र क्या लिखवाया था मैंने आपको 4 ए प्लस 2x, सूत्र में ही तो रखना है, अब 4 ए को मान कितना है 80, 80 प्लस 2 × 5, 5 × 2 = 10, 4 × 80 और 10 90, 9 × 36 360 मीटर क्या आ जाएगा इसका परिमाप, और क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल को सूत्र है 4x ए प्लस है एक्स, 4 × x का मान 5, ए का मान 80, x का मान 5 रख दोगे 20 × 80 और 5 85, 85 क्रांत कितना आ जाएगा 1700 मीटर स्क्वायर या वर्ग है, मीटर क्या आ जाएगा इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। सीधा सिंपल सा सवाल है, सूत्र में रखना है, उत्तर निकालना है बस।
उतार लिया, लिखिए नेक्स्ट। एक वर्गाकार मैदान की भुजा 220 मीटर है, जिसके चारों ओर अंदर की तरफ 10 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। परिमाप व क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। रास्ते का परिमाप व क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। रास्ते का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना है अपने को। परिमाप का सूत्र है 4a-2x अंदर की तरफ है, तो 4a का मान 220 माइनस 2 गुणा 10, 10 दुआ कितना 20, 20 है मोटांस कितना बचा 204 गुणा 204 दुआ 800 मीटर। तो क्या गया हो परिमाप और क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 4xa-x, 4 गुणा x का मान 10 और a का मान 220 माइनस 10, घटाओ जाने 40 गुणा 210, 2100 का 84 वर्ग मीटर। क्या आ जाएगा इसका क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा 8400 मीटर स्क्वायर। है चलो और लिखो जानी। अब अगर बीचो बीच है तो बीचो बीच को खेल गा देंगे आपा, सूत्र कृष्ण लिखवाने की जरूरत ही को नहीं। एक वर्ग की भुजा 20% बढ़ा दें। एक वर्ग की भुजा 20% बढ़ा दें तो ज्ञात कीजिए कि क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। एक वर्ग की भुजा 20% बढ़ा दे तो ज्ञात कीजिए क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। कितना परसेंट है? 3%। बीस परसेंट की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/2 बढ़ाए प्लस किया है। तो पहले भुजा कितनी थी? हमेशा मैंने आपको बताया बटे में जो भी मान होता है वो पहले का मान होता है। पहले भुजा थी 5 और नई भुजा कितनी हो गई? कितनी बढ़ गई? 1 बढ़ करके नई भुजा हो गई 6। नई भुजा हो गई 6। पहले भुजा थी 5, नई भुजा हो गई 6। क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा की स्क्वायर। तो 5 की स्क्वायर 25, 6 की स्क्वायर पहले से कितना बढ़ गया? 11 इकाई बढ़ गया। वृद्धि प्रतिशत निकालें
तो वृद्धि का प्रतिशत आएगा, क्षेत्रफल बढ़ गया 11 इकाई बटे क्षेत्रफल में पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल का मान इंटू 100 काट दो 25 चौका 100, 11 चौका 44% बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? 44% बढ़ जाएगा। एक तो ये तरीका होता है, दूसरा अपने इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दूसरों तरीकों की है एन आप यहाँ भी कर सका के माना डायरेक्ट क्या मान लो, माना पहले क्षेत्रफल कितना था, माना पहले क्षेत्रफल था 100% कितना था 100%, नया क्षेत्रफल कितना आ गयो, नयो क्षेत्रफल आ जाओ, भुजा कितनी कर दी 20% बढ़ा दी 120, तो 120 को 120% निकाल दो कितना आगो, जीरो जीरो काट देगा 12 करागा 144, पहले था 100% अब हो गया 44%, तो कितना बढ़ जाएगा 44% बढ़ जाएगा। लिखो जानी, एक वर्ग की भुजा पांच बटे चार गुनी कर दें, तो ज्ञात कीजिए, एक नंबर क्वेश्चन, क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, अब क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा, जल्दी से बता दो, दो क्वेश्चन है, अब क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, या फिर आपसे अनुपात भी पूछ सकता है कि पूर्व क्षेत्रफल के साथ नए क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, 4:5 होगा, नहीं होगा, क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, यानी पूर्व क्षेत्रफल के साथ वर्तमान क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, ये भी पूछ सकता है आपसे आगे क्वेश्चन, अब आगे कैसे क्वेश्चन भी बना सकता है, जल्दी से बता दो मेरे को इसका आंसर क्या आएगा। एक वर्ग की भुजा 5/4 गुनी कर दें, बिल्कुल सिंपल सा है, वर्ग की भुजा कितनी करनी है 5/4 गुनी, तो पहले भुजा कितनी थी और नई भुजा कितनी कर दी, अरे सिंपल सा सवाल है, कुछ नहीं है, पहले भुजा, भुजा की बात कर रहा है, 5/4 गुनी कर दी, अब देखो 5/ पहली जिसकी भुजा ही बनेगी कितनी कर दी 5/4 गुनी कर दी, तो पहली कितनी कौन बेरो, पहली आप ये मान ली का 1, 2, 10, 5 जकी भी ही, लेकिन आप 5/4 चार कटना संख्या की मान लेंगे, पहले भुजा कितनी थी 4 ही मान लेते हैं, पहले भुजा कितनी थी 4 और इसकी नई भुजा को कितनी कर दी 4/5, 4 से 4 कैंसिल, नई भुजा कितनी कर दी 5, समझ में आई है कि थोड़े बहुत कितनी कर दी 5 कर दी, पहले भुजा थी 4, नई भुजा कर दी 5, तो क्षेत्रफल 4 की स्क्वायर 16, क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर और 5 की स्क्वायर है 25, पहले ना क्षेत्रफल कितना बढ़ गया, पहले क्वेश्चन किया आपने क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ गया, तो क्षेत्रफल कितना हो गया, पहले से वृद्धि कितने की होगी 9 इकाई की वृद्धि होगी, यहाँ पे देखो क्षेत्रफल बढ़ गया 9 इकाई, 9/16 गुना
सौ काट दो इनको, चार से काट देते, चार चौका सोलह, पच्चीस चौका सौ, पच्चीनिमा दो सौ पच्चीस, दो सौ पच्चीस बटे चार, छह चौका चार पंजा बीस, छह चौका चौबीस, बच गया एक, कितना आ जाएगा छप्पन, सही, एक बटे चार प्रतिशत क्षेत्रफल है बढ़ जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि एक वर्ग की भुजा पांच बटे चार गुनी कर दें, तो ज्ञात कीजिए क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ जाएगा, छप्पन से एक बटा चार परसेंट बढ़ जाएगा। अब क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा, अब क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा, अब क्षेत्रफल कितना गुना हो, अब देखो क्षेत्रफल है कितो, अब क्षेत्रफल कितो है 25 और पहले कितो 16, तो 25 बटा 16 गुना हो जाएगा, आ जाओ उत्तर आ गया, 25 बटा 16 गुना हो जाएगा, अब क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा 25 बटा 16। और आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, ये नहीं पूछा गया, डायरेक्ट पूछे कि क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा, तो 5 की स्क्वायर, भुजा की स्क्वायर कौन होगी, तो स्क्वायर कर दो 5 बटा 4 की स्क्वायर, 5 की स्क्वायर 25, 4 की स्क्वायर 16, ये अपना क्या आ गया उत्तर। हाँ, अनुपात अगर पूछे कि पूर्व क्षेत्रफल के साथ अनुपात क्या है, तो पहली को अनुपात तो 16, नयो कितना हो गया 25, और नया जैसा अगर पूर्व अनुपात किए तो 25 अनुपात है 16, तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है आपसे क्या पूछा गया है। उतारो जल्दी से, उतार लियो। चलिए लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छोरी आवाज ना करो, ये लिखो, एक वर्ग तथा एक आयत, एक वर्ग तथा एक आयत का परिमाप बराबर है, का परिमाप बराबर है, एक आयत तथा एक वर्ग का परिमाप बराबर है, वर्ग का क्षेत्रफल दो सौ पच्चीस वर्ग मीटर है। एक आयत का परिमाप और एक वर्ग का परिमाप क्या है, बराबर है, एक आयत तथा एक वर्ग का परिमाप बराबर है, वर्ग का क्षेत्रफल 225 वर्ग मीटर है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यदि आयत की लंबाई दस मीटर हो, करो जल्दी से, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो क्या आएगा इसका आंसर, हैं? 200, 5400 और बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, हाँ राजबाला जल्दी से बता दो, आरती कितना आएगा जल्दी जल्दी बताओ, नित्तू एक वर्ग और एक आयत का 4400 आएगा, 200 आएगा, ममता मन नहीं अलग, ममता सी निकल है,
ममता आजकल इंटेलिजेंट हो रही है। एक वर्ग तथा एक आयत का परिमाप बराबर है। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है अपने को कितना, 225, और आयत की लंबाई दे रखी है 10 मीटर। दो चीजें दे रखी है। अब वर्ग का क्षेत्रफल अपन दे रखा, ध्यान करो थोड़ा सो, अरे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वर्ग का क्षेत्रफल दिया, यहां से वर्ग की क्या निकाल सकते हैं, भुजा निकाल सकते हैं, और वर्ग की भुजा से, वर्ग की भुजाओं के निकाल सकते हैं वर्गो परिमाप, और वर्गो परिमाप कहेंगे बराबर है आयत का परिमाप क्या बराबर है, आयत का परिमाप तय पूछ गया आपा, और आयत का परिमाप को आपा लंबाई ध्यान है चौड़ाई बटू निकाल सका, लंबाई चौड़ाई निकाल के क्या निकाल सका आपा क्षेत्रफल निकाल सका। देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या दिया है 225, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, यही तो है वर्ग का क्षेत्रफल। देखो क्या दे रखा है, वर्ग का क्षेत्रफल 225, भुजा स्क्वायर का मान 225, भुजा कितनी आ जाएगी 225 कितना हुआ है 15 मीटर भुजा आ गई। क्षेत्र परिमाप क्या जो वर्ग को, अरे वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा, तो 4 गुना भुजा कितनी है 15, 15 चौका 60 मीटर, ये वर्ग का परिमाप। तो आयत का कितना है, आयत का परिमाप कितना है भाई, वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो वही 60 मीटर है। और आयत का परिमाप क्या होता है, दो ब्रैक लंबाई, लंबाई कितनी है 10, चौड़ाई आप मान लिया बी, बराबर मान कितना है 60, दो काट दो 30, चौड़ाई को मान इन जगह क्या हो जाएगी माइनस 30, मुंह 10 गया 20 मीटर के आ गई चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई कितनी है 10, चौड़ाई कितनी है 20, 10 गुणा 20 करो जान कितना 200 मीटर स्क्वायर, क्या आ जाएगा इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 10। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, उतारो जल्दी से। एक वर्ग तथा आयत का परिमाप बराबर है, तो पहले अपने को आयत और वर्ग दोनों में से परिमाप किसका पता है, नहीं पता, लेकिन वर्ग का क्षेत्रफल पता है, तो वहां से वर्ग का परिमाप निकाल सकते हैं। और वर्ग का परिमाप किसके बराबर है, आयत के परिमाप के बराबर है, तो आयत के परिमाप से अपने भुजा निकाल सकते हैं आयत की लंबाई चौड़ाई निकाल सका अपन, लंबाई तो अपन दे रखी है चौड़ाई पूछिए, कई बार क्वेश्चन हार्ड बना दे लंबाई चौड़ाई दोनों ही गोंदे है, ठीक है मत दे तो रखिए 100 है प्रश्न फिर भी, उतारो जल्दी से। चलो लिखिए लिखिए जल्दी से, कृष्ण लिखिए अगला, बातें नहीं भी। एक वर्ग तथा आयत, कृष्ण लिखिए एक वर्ग तथा आयत की परिमिति बराबर है, परिमिति बराबर है, एक आयत तथा वर्ग की परिमिति बराबर है, प्रत्येक 80 मीटर है, प्रत्येक 80 मीटर है, मीटर है, इनके क्षेत्रफलों का अंतर, इनके क्षेत्रफलों का अंतर 100 वर्ग मीटर है, आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए, आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए, आयत के विमाएं ज्ञात करनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, जोरदार क्वेश्चन है, जल्दी से निकाल दो।
एक वर्ग तथा आयत की परिमिति, परिमिति क्या होता है, परिमाप होता है, याद रखिएगा ठीक है, परिमिति बराबर है। जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या आएगा। चलो मैं ही बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा सभी बोर्ड के ऊपर ध्यान दीजिएगा, एक वर्ग तथा आयत की परिमिति बराबर है। परिमिति का मतलब क्या है, परिमाप बराबर है। प्रत्येक 80 मीटर है, प्रत्येक को मतलब है दोनों को परिमाप, आयत को 80 है, वर्ग को भी किए 80 है, यही बराबर दे रखे अपन, तो वर्ग को परिमाप कितना है, आठवां अपन वर्गो क्षेत्रफल निकाल इसका, वर्ग का परिमाप कितना है 80 मीटर। तो वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी, परिमाप का सूत्र क्या होता है, चार गुणा भुजा, 80 काटो जानी 20 मीटर किया जाएगी भुजा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, 20 की स्क्वायर कितना आ जाएगा 400, 20 की स्क्वायर कितना है 400। अब देखो दोनों ने क्षेत्रफल को अंतर दे रखा अपन, और एक अपन है आयत के परिमाप को भी ध्यान है, आयत को परिमाप कितना है 80 मीटर है, प्रत्येक का मान कितना है 80 मीटर, आयत का परिमाप क्या होता है, दो ब्रैक लंबाई प्लस चौड़ाई कितना है 80, तो लंबाई और चौड़ाई का योग कितना है, लंबाई और चौड़ाई दोनों का योग है 40 मीटर। अब देखो एक शर्त तो आवणगी का लंबाई चौड़ाई दोनों जोड़ा कितनी आवे 40 मीटर आवे, तो 40 की जोड़ा वो ऑप्शन उठा के कर सका, लेकिन कई बार इश्यू है कि ऑप्शन यहाँ दे दिया 10 हो रहे 30, 20 हो रहे 20, तो कौन ही हो सके। अब देखो आगे अपन बात करा, आयत को लंबाई और चौड़ाई तो दे दी अपने, दोनों लंबाई और चौड़ाई का योग कितना है 40 मीटर परिमाप। अब याद रखिएगा नोट करके आप लोग, जब एक आयत पहली सुनोगा गौरूं, जब एक आयत और वर्ग की परिमिति बराबर हो, परिमाप बराबर हो, तो हमेशा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ज्यादा होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ज्यादा होता है। याद रखिएगा जब एक आयत और एक वर्ग की परिमिति या परिमाप बराबर हो तो हमेशा वर्ग का क्षेत्रफल ज्यादा होता है। तो नोट करके आप लोग याद कर रख सकते हो, नोट करके लिख सको थे सारा, जब एक आयत तथा वर्ग का परिमाप बराबर हो, परिमाप बराबर हो, बराबर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्यादा होता है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्यादा होता है। तो अब मनिया बता दो जल्दी से आयत का क्षेत्रफल कितना है, फिर 300, वेरी गुड 300 होगा, क्योंकि अपने को वर्ग का क्षेत्रफल पता है कितना है 400, और वर्ग को क्षेत्रफल ज्यादा हुआ है, दोनों को अंतर कितना हुआ है 100 हुआ है, तो फिर क्या उसी आयत को क्या उसी कम हो सी, कम कितो हो सी, जो अंतर है वही कम हो सी, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ध्यान दीजिएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई को मान कितना है, फिर 300 मीटर वर्ग मीटर स्क्वायर, 300 मीटर स्क्वायर। सब पल्ले पड़िएगी, आयत को क्षेत्रफल क्या निकाल दियो मैं, देखो जब एक आयत और वर्ग की परिमिति बराबर हो, परिमाप बराबर हो, तो हमेशा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, बड़ा होता है, और वर्ग का क्षेत्रफल आपको कितना दे रखा है 400, और दोनों का अंतर कितने का दे रखा है 100 का, तो किसका क्षेत्रफल कम होगा, आयत का कम होगा, आयत का कितना होगा फिर 100 कम होगा, 100 कम करा कितो जो 300। अब लंबाई और चौड़ाई दोनों संख्या जोड़ा जो तो योग कितना है 40, और दोनों को गुणा करा कितना है 300, ऐसी दो संख्या सोचिए 30 हो रहे 10, तो एक लंबाई और चौड़ाई कितनी हो उसके 30 हो रहे 10 हो उसके, आगे कोई समीकरण कौन बनानी, सिद्धो से पतो है लंबाई और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 30 हो रहे 10 हो जाएगी। जल्दी से नोट करो इसको, तो 30 और 10 को जो भी अपन ऑप्शन मिलेगा बैन कर देना अपन, अभी तो दिमाग ना लगाइयो, काठे भी जोड़ सका नहीं 30 और 10 है।
ठीक है, लेकिन ऑप्शन क्या है, यहाँ भी मिल सके 20 हो रहे, 20 25 हो रहे, 15 क्या भी मिल सके, लेकिन जो कहो गुणा करा 300 आ जाओ चाहिए, दोनों शर्त संतुष्ट करनी चाहिए। और आगे समीकरण में आगे करोगा तो काफी मतलब 5-4 लाइन को सवाल और हो जाओ, तो सिद्धो हटे सिद्धो इतो निकलने के बाद में सिद्धो संख्या सोच लियो, ऑप्शन उठा लियो, क्या इसी दो संख्या की जोड़ा जो तो कितना आना चाहिए 30, सॉरी जोड़ा कितना आना चाहिए 40 और गुणा करांज कितना आना चाहिए 300 आना चाहिए। नेक्स्ट लिखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग तथा वर्ग के विकिरण पर बने, एक वर्ग तथा वर्ग के विकिरण पर बने एक अन्य वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा, बिल्कुल सिंपल सा है, एक लाइन का सवाल है, बस एक ही लाइन का सवाल है, हैं? बिल्कुल सिंपल सा, एक वर्ग तथा वर्ग के विकिरण पर बने एक वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात, एक अन्य वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात, एक वर्ग है जैसे ये एक वर्ग है, ध्यान दीजिए, वो एक वर्ग है और वर्ग की भुजा क्या है ए, ध्यान दो अनुपात एक होगा, चलो देखेंगे जो भी आएगा ए बी सी डी, ये एक वर्ग है जिसकी भुजा क्या है ए मीटर मान ली मैंने, तो ये भी क्या होगी ए, ये भी क्या हो जाएगी ए, और ये भी क्या हो जाएगी ए, ये इसका विकिरण है, विकिरण कितना होता है एन रूट दो, ए वर्ग विकिरण पर बनेड़ो एक अन्य वर्ग इन साबू, थोड़ा सा चित्र सही बना लियो, ठीक है, बाकी अपन पेपर में चित्रों कोई मतलब को नहीं है, उत्तरों मतलब है, ऐसे क्या बना है? एक वर्ग के विकिरण पर अन्य वर्ग बना है, तो इस वर्ग की भुजा क्या है एन रूट दो, आ भी कितनी हो सी एन रूट दो, ये भी कितनी होगी एन रूट दो, ये भी कितनी होगी एन रूट है दो, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात एक वर्ग तथा वर्ग के विकिरण पर, तो एक वर्ग है ए वर्गो क्षेत्रफल के भुजा गे स्क्वायर, भुजा कितनी मानी आप एगे स्क्वायर, अनुपात विकिरण जो विकिरण पर बना है उसकी भुजा कितनी है, क्षेत्रफल क्या होगा भुजागी भुजागी स्क्वायर, इसके विकिरण पर बना है उसका क्या होगा एन रूट दो एंगी स्क्वायर, एगी स्क्वायर एन आप हल करा अनुपात ओके जो ए स्क्वायर गुणा दो जो ए स्क्वायर हूं ए स्क्वायर कर जो एक अनुपात दो आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, एक अनुपात दो होगा, वर्ग तथा वर्ग के विकिरण पर बने क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा एक अनुपात दो, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, जल्दी से नोट करो जल्दी से। अब बात करा आप थोड़ी सी, मैं धन बताई कि वर्ग में अपने परिवर्त और अंतर्वर्त की भी बात करेंगे, किसकी बात करेंगे परिवर्त और अंतर्वर्त की भी, अपने
बात करेंगे वर्ग के अंदर, ठीक है। वर्ग के अंदर क्वेश्चन आता है परिवर्त और अंतर्वर्त का। क्वेश्चन, परिवर्त क्या होता है? जब एक आकृति के चारों ओर बाहर की तरफ वर्त बना उसे बोलते हैं परिवर्त, और जब एक आकृति के अंदर एक वर्त बना उसे क्या बोलते हैं अपने अंतःवृत्त, और वो आकृति कौन सी है उस पर डिपेंड करता है उसकी त्रिज्या क्या होगी, ठीक है। तो अठे आप वर्ग के अंदर पढ़ने ला रहे हैं, तो अठे आप एक तो पढ़ना परिवर्त और एक अंतःवृत्त, परिवर्त और अंतःवृत्त। और बात कर रहे हैं अपने वर्ग की, जैसे ये एक वर्ग है, चारों मेर के बने हुए एक यहां वर्त बने हुए है, हाँ कर सका रमान ज्यादा करा दी थे, ए बी सी डी, ये मैं आप ठीक होती हूँ परिवर्त और अंतःवृत्त, परिवर्त की बात करें तो एक आकृति के बाहर क्या बनाओ एक वृत्त बनाओ उसे क्या बोला जाता है परिवर्त बोला जाता है। ए बी सी डी वो तो है परिवर्त, और अंतःवृत्त की बात करा आप ये क्या है अंतःवृत्त ए बी सी डी। परिवर्त की त्रिज्या ये केंद्र हो है आएंगी की है त्रिज्या है, और एन के लिखी जाए बड्डे आर ओ, और अंतःवृत्त की त्रिज्या की बात करा तो अ की है केंद्र ओ, और ये क्या है त्रिज्या, और ये पूरा क्या होता है भाई व्यास, पूरे इनके बोला आपा व्यास, और ओ एंगो पूरो किए व्यास। तो अठे थोड़ा सो दिमाग लगाओ के आपा परिवर्त की त्रिज्या और वर्ग, परिवर्त की त्रिज्या और वर्ग की त्रिज्या, वर्ग भुजम किए संबंध दोष के, तो अठे आप बात करा आ किए वर्गो किए विकीर्ण, और त्रिज्या किए विकीर्ण की आदि को नहीं किया, तो परिवर्त की त्रिज्या का सूत्र क्या हो जाएगा परिवर्त की त्रिज्या, परिवर्त की त्रिज्या को किससे लिखा जाता है बड़े आर से, और इसका सूत्र क्या हो जाएगा विकीर्ण बटे, विकीर्ण बटा दो लिख्स कहां पा, और विकीर्ण क्यों है अंडूर दो गुणा भुजा, भुजान क्या लिखा पा ए और बट्टा दो, और दो ने के लिख्स कहां पा अंडूर दो गुणा ए, और दो ने अंडूर दो गुणा अंडूर दो लिख्स का नहीं है ना पा, तो अंडूर दो कैंसिल के बन जाएगा सूत्र है ए एन रूटे दो, ये क्या बन गया इसका सूत्र। ऐसे ही क्या निकाल सकते हैं अपने अंतःवृत्त, और अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी अंतःवृत्त की त्रिज्या छोटा आर लिखी जाए और आ क्या हो जाएगी पूरो की है, पूरा क्या है ये व्यास, व्यास है, और ये क्या है वर्ग की क्या चीज है ये भुजाई, तो है भुजा की क्या हो जाएगी आदि के बजे ए बट्टा दो, आ क्या आ जाएगी अंतःवृत्त की त्रिज्या। अब आठों अपने सवाल किए बनाओ, कई बार अपन भुजा दे दे और अंतःवृत्त की पूछ ले, क्षेत्रफल पूछ ले, कई बार अंतःवृत्त
आप बुझा दे देखो एंग के निकालनी पड़ेगी अपन त्रिज्या निकाले के निकालना पड़ा वर्त को क्षेत्रफल निकालना पड़ा उतार संबंध अपन पतो चाहिए ठीक है। आठों भी क्वेश्चन पूछी जाए लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन उतारो फिर जल्दी उतारो परिवर्त की त्रिज्या का सूत्र क्या होता है विकिरण बटे अरे परिवर्त की त्रिज्या का सूत्र क्या होता है विकिरण बटे दो या फिर ए बटा भुजा बटा अंडरूट दो और अंतःवृत्त की त्रिज्या का सूत्र क्या होता है भुजा बटे दो समझ गया अभी थाने बता दियो मैं ओ किए हूँ विकिरण है तो विकिरण हुआ दो जो त्रिज्या और ओ किए हूँ भुजा है तो भुजाई की हो जाएगी आदि हो जाएगी लिखो तो फिर एक क्वेश्चन लिखो फिर ओ कंप्लीट हो जाए वर्ग फिर आग लो आप चतुर्भुज पटांग लिखो एक एक वर्ग के चारों ओर एक वर्ग के चारों ओर बने परिवर्त परिवर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि यदि वर्ग की भुजा 30 मीटर हो करो ध्यान जल्दी वर्ग की भुजा 30 मीटर हो कितना हो जाएगा 450 पाई। एक वर्ग के चारों ओर बने परिवर्त का क्षेत्रफल परिवर्त का क्या ज्ञात करना है अपने को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वर्ग की भुजा कितने मीटर है 30 मीटर है वर्ग की भुजा तो परिवर्त की त्रिज्या का सूत्र क्या होता है त्रिज्या आर को सूत्र क्या बताया मैं थाने ए बटे अंडरूट दो यही बताया था या विकिरण बटे दो ए ए कितो है 30 बटा अंडरूट दो क्या आगे त्रिज्या और क्षेत्रफल को सूत्र के वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर और क्या पूछा है आपसे बने परिवर्त का ही तो क्षेत्रफल पूछा है आपसे परिवर्त वर्त का क्षेत्रफल पूछा है आपसे तो वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर पाई को पाई रख लिया आर स्क्वायर भुजा कितनी है 30 बटा अंडरूट दो एंग स्क्वायर कर दिया दो बार गुणा कर दिया स्क्वायर को मतलब तो करो जानी पाई गुणा 30 ने 30 उकरा 900 और दो ने दो अंडरूट दो ने अंडरूट दो दो काट दिया तो कितना 450 तो इसका उत्तर आ जाएगा 450 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर या सॉरी मीटर स्क्वायर स्क्वायर ये क्या आ जाएगा इसका क्षेत्र आ जाएगा। क्या दे रखा है आपको भुजा दे रखी है किसकी वर्ग की भुजा दे रखी है और वर्ग की भुजा दे रखी है आठवां पाप परिवर्त की क्या निकाल इसका त्रिज्या निकाल इसका त्रिज्या निकालना है बाद में वर्त को क्या निकाल इसका आप क्षेत्रफल वर्त को क्षेत्रफल क्या है पाई आर स्क्वायर मान रख दोगे पाई आर स्क्वायर आर का मान कितना है 30 बटे अंडरूट रे दो कई बार अपन आगे पेपर में ओ भी ऑप्शन मिल स्क्वायर और पाई को मान भी रखे मिल स्क्वायर पाई का मान कितना होता है पाई का मान कितना होता है 22 बटे 7 तो ये मान लिखा ही मिल सकता है आपको ठीक है। और लिखिएगा एक क्वेश्चन एक वर्ग के
अंदर बने एक वर्ग के अंदर बने अंतःवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कीजिए यदि वर्ग की भुजा 28 मीटर हो, वर्ग की भुजा 28 मीटर हो, 196 पाई, एक वर्ग के अंदर बने अंतःवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि वर्ग की भुजा कितनी है 28 मीटर। वर्ग की भुजा दे रखी है 28 मीटर, भुजा दे रखी है तो अठो पक्के निकाल सका अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या आर क्या होती है, भुजा बटे दो, 28 बटा दो कितना आ जाएगा 14 मीटर की आ जाएगी, 14 मीटर की आ जाएगी त्रिज्या। क्षेत्रफल पूछे वृत्त को क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान रख सकते हो आप, पाई का मान कितना होता है 22/7 आर स्क्वायर, आर का मान कितना है 14 गुणा 14 काट दो 7 का आप करोगे 14 7 98 22 गुणा 98 को 98 से गुणा कीजिए कितना आएगा 7 2 14 ठीक 7 2 14 ये 2 आ जाएगा 22 2 44 44 गुणा 14 14 चौका 56 और 5 61 616 मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। पाई का मान लिखा हुआ मिल सकता है आपको और पाई साथ में मिल सकता है, वो डिपेंड करता है ऑप्शन पे। इसी के हाँ पाई को मान ना लिखो आते हैं मुझे वो पाई आर स्क्वायर, ध्यान दीजिए पाई आर स्क्वायर, पाई को पाई रख लो आर स्क्वायर, आर का मान कितना है 14 स्क्वायर कितना 196 उत्तर मिल जाएगा अपने 196 पाई मीटर स्क्वायर, ये भी मिल सकता है। हाँ ये तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि आपको 196 दिया है या 616 दिया है, ठीक है। पाई का मान लिखा हुआ है या पाई का मान नहीं लिखा है। आगे आप चतुर्भुज स्टार्ट कराएंगे किसी समांतर है चतुर्भुज, ठीक है वो स्टार्ट कराएंगे आप कल।